1996 में एक फंड स्टार्ट हुआ जिसका नाम था क्वांट स्मॉल कैप, ठीक है। और तब से लेकर अगले 24 साल तक 2020 तक उसने इतना घटिया परफॉर्म किया ना कि कोई उसका नाम तक नहीं जानता था। और 24 सालों में सिर्फ और सिर्फ 93 करोड़ रुपए, इससे ज़्यादा तो NFOs में आ जाता है, जो न्यू म्यूचुअल फंड ऑफरिंग होती है ना, यानी कि नए म्यूचुअल फंड जो अब तक मार्केट में नहीं आए उससे ज़्यादा पैसा तो वो इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन ये 24 साल में सिर्फ कर पाया 93 करोड़ रुपए। लेकिन 2020 में कुछ ऐसा हुआ कि उसके बाद ये 94 करोड़ जो 100 भी नहीं हो रहे थे वो सीधा पहुँच गए 3300 करोड़। और ऐसे इन 3 सालों में क्या हुआ पर क्वार्टर, मैं कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा डिटेल में जाके देखेंगे कि हर क्वार्टर में इसने ऐसा क्या किया परफॉर्म कि भाई साहब रिटर्न गजब के आने लगे। और किया किसने, बंदे का नाम है अंकित पांडे, जो इनके म्यूचुअल फंड मैनेजर हैं मिस्टर अंकित पांडे। उन्होंने 2020 में उनका अपॉइंटमेंट हुआ और उसके बाद तो उन्होंने कहीं पीछे मुड़ के नहीं देखा। जो उन्होंने रिटर्न निकाल के दिए ना क्वांट के लिए, मैं कह रहा हूँ सब एकदम से हो गया कि ये हो क्या रहा है। हाँ, जो लोग थोड़ा सा सेफ चलना चाहते हैं या थोड़ा सा देख के चलना चाहते हैं, जैसे आप हमारे चैनल का एग्जांपल ले सकते हैं कि रैंकिंग देख के हमने कभी भी आपको ये नहीं कहा कि आप क्वांट ले लो या क्वांट बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। क्वांट के फंड जब तक अच्छी तरह परफॉर्म नहीं करने लग गए, सब कुछ हो नहीं गया, 2 साल नहीं हो गए, 1.5 साल नहीं हो गए, तब तक हमने इस पर वीडियो नहीं बनाए। लेकिन जब भी बनाई काफ़ी अच्छे से डिटेल में, और यहाँ पे भी स्मॉल कैप को लेकर भी आप बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने वाले हैं। पर क्वार्टर 2020 से लेकर आज 2023 में जितने भी क्वार्टर बीते हैं, इन्होंने अपने बेंचमार्क के अगेंस्ट, इन्होंने अपनी कैटेगरी एवरेज के अगेंस्ट कैसा परफॉर्म किया है, स्पेशली जब मार्केट गिर रहा था। मेरे भाई जब मार्केट गिर रहा था तो मुझे इनका परफॉर्मेंस जानना है, क्यों? ऐसा नहीं है मार्केट 4% गिरा और ये 6% गिर गया तो फ़ायदा क्या है मुझे इसे लेने का कि ये 2% एक्स्ट्रा रिटर्न देगा, क्योंकि ये गिर जाएगा। तो वो चीज़ भी मुझे देखनी है। और हम चलते हैं आगे, स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। म्यूचुअल फंड के बारे में बहुत डिटेल में वीडियोस आती रहती हैं, मोस्टली म्यूचुअल फंड जो फेमस हैं जिनमें लोग अपना पैसा डालते हैं उसे हम पिक करते रहते हैं। तो अगर आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, तो हमारी एक सीरीज़ है, आप वो जाके देख सकते हैं। बाकी आप पेड सर्विसेज ले सकते हैं, स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा पेड सर्विसेज के लिए। तो बस अब चलते हैं आगे, बाकी फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत कुछ है चैनल पे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब चलते हैं आगे। तो अब हम आ गए हैं स्क्रीन पे, और अगर हम स्क्रीन पे थोड़ा सा ध्यान दें तो आप ग्रीन कलर की जो कैंडल देख पाएंगे, जो कि आप ग्रीन कलर की कैंडल देख पाएंगे जो क्वांट स्मॉल कैप की है, ठीक है। तो उसमें अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ये कैंडल 2013 में फिर भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस था, 2016 में ठीक ठाक परफॉर्मेंस था, ठीक है, और उसके अलावा 2018 में भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस था, क्योंकि बाकी इनका जो कैटेगरी एवरेज है और निफ्टी स्मॉल कैप इनका जो बेंचमार्क है, दोनों ने नेगेटिव रिटर्न दिए थे, लेकिन ये भाई साहब पॉजिटिव में थे, ठीक है। लेकिन इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसका कोई फ़ायदा नहीं था। रीज़न, क्योंकि 2014 में जो परफॉर्मेंस और 2015 में जो परफॉर्मेंस था वो इतना ज़्यादा ख़राब था कि आप ये मान के चलो कि ये रफली 10 पे है, ठीक है ना। इन्होंने रफली अगर 10% रिटर्न दिया तो ये 70% रिटर्न थे, और 2 साल में मैं सिर्फ नॉर्मली जनरली प्लस भी कर दूं इन दोनों को, तो ओवरऑल अगर आपने 140 यहाँ पे करा तो यहाँ पे सिर्फ 20% के अराउंड आया, ठीक है। तो डिफरेंस इतना ज़्यादा ह्यूज क्रिएट हो जाएगा कि आगे आने वाले टाइम में 2016 या 18 इसने जो भी कुछ भी परफॉर्म किया होगा तो वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको समझना है। अब चलते हैं और आगे, मैंने कहा था बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने वाले हैं, तो पर क्वार्टर भी चेक करेंगे। लेकिन पर क्वार्टर चेक करने से पहले अगर हमने इसमें 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता आज, जब ये मतलब जब ये बना था फंड, तो आज क्या होता इसका अमाउंट रफली 4.25 लाख या 3.5 लाख रुपए के आसपास होता, ठीक है। और अगर मैं इधर बात करूं तो ये दोनों निफ्टी स्मॉल कैप 2 लाख के अराउंड खड़ा है और ये जस्ट लिटिल मोर देन 2 लाख, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि इसने बढ़िया परफॉर्म किया, लेकिन जो इसका ये परफॉर्मेंस निकल के आया ना, ये पिछले 3 साल में निकल के आया, ठीक है। तो इनका जो टॉप होल्डिंग है वो 18 मंथ से जिसको ये होल्ड करके बैठे हैं, वैसे बैठते नहीं हैं, तो जिसको ये होल्ड करके बैठे हैं वो हैं ITC, IRB, और उसके बाद अगर मैं बात करूँ HFCL, द इंडियन सीमेंट्स, हिंदुस्तान कॉपर और TV18 ब्रॉडकास्ट, जो टॉप के फंड्स हैं इनको ये होल्ड करके बैठे हैं, जिनको चेंज करते रहते हैं, RBL, पंजाब नेशनल, जिंदल और बीकाजी फूड, इन्होंने पीछे करके ही जब हमने वीडियो बनाई थी तभी इन्होंने ऐड किया था। तो रफली अपने 20% पोर्टफोलियो ये वाला,
और बाकी 50%, तो इनका टर्नओवर बहुत ज़्यादा रहता है, मोर देन 100% भी चला जाता है। और जिस वजह से लोग डरते हैं, जिस वजह से कोई भी इसको एनालिस्ट देखेगा तो एक बार के लिए तो वो आपको मना करेगा, या एक बार के लिए उसके मन में भी डर आएगा। और ये डर स्वाभाविक है, अगर आप मार्केट में पिछले 15-20 साल से मार्केट को समझते हैं तो आपको पता लगेगा कि ये जो स्ट्रैटेजी है बहुत डेंजरस है, कि जब टर्नओवर 100% से भी ऊपर चला गया, ठीक है ना। इस चीज़ को आपको भी समझना है, क्योंकि अभी हम मार्केट में नए नए हैं, 1-2 साल आपने देखा होगा, ठीक है ना। अगर आपने सिर्फ 2 साल की मार्केट देखी है, 3 साल की, तो आपको लगता होगा कि स्मॉल कैप फंड से बहुत बढ़िया नहीं है। और कुछ यूट्यूबर भी हैं जो बड़े बड़े थंबनेल लगा देते हैं कि मैं आपको बोलता हूँ स्मॉल कैप में डाल दो पैसा, सारा डाल दो, ये डाल दो, वो डाल दो। तो मेरे भाई रुक जाओ, ठीक है, चीज़ों को डिटेल में समझना होता है। साइट वेबसाइट देख के, रैंकिंग देख के कोई भी आपको बोल देगा कि स्मॉल कैप में डाल दो, ठीक है ना। तो उस चीज़ को खुद थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओ कि इतने आसान होते अगर रिटर्न जनरेट करने तो आज तक लोगों ने वेल्थ इतनी ज़्यादा क्यों नहीं जनरेट करी। लोग 12% के पीछे ही क्यों भागते हैं, यहाँ तो 20-20% से ऊपर मिल जाता है। तो उस चीज़ को थोड़ा सा, इस चीज़ के लिए दिमाग दौड़ाने की ज़रूरत है। अब चलते हैं आगे, डिटेल में आ जाते हैं। सबसे पहले जब इसने परफॉर्म करना शुरू किया तब मार्केट पूरी तरह से नेगेटिव में जा रहा था। और उस समय जब मैं यहाँ पे ना, जैसे इसने जहाँ पे अच्छा परफॉर्म किया होगा वहाँ पे मैं इसको ग्रीन हाईलाइट कर दूँगा, ठीक है, होपफुली इस रंग में आपको दिख जाएगा, नंबर्स नहीं छुपेंगे, और रेड में नंबर छुप जाएंगे शायद, ठीक है। तो रेड में इतना आपको नहीं दिखेगा, लेकिन आपको ये पता लग जाएगा कि इसने कहाँ पे बढ़िया और कहाँ ख़राब परफॉर्म किया, ठीक है। और नीचे रफली दिसंबर 2022 तक का डेटा है हमारे पास। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इसने अच्छा परफॉर्म किया मार्च में, क्योंकि ये -24% गिरा, तो -27% कैटेगरी एवरेज और -33% निफ्टी स्मॉल कैप गिर चुका था। उसके बाद जब रिटर्न देने की बारी आई तो इसने 35% रिटर्न दिया, जो कि फिर से सबसे बढ़िया था, और ये फिर से अपनी कैटेगरी एवरेज और निफ्टी स्मॉल कैप से, जो इसका बेंचमार्क है, उससे आगे रहा। सेम कहानी सितंबर में रही, ठीक है, डबल डिफरेंस देखिए कितना ज़्यादा आ गया, 22% और 23% ये दे रहे हैं कैटेगरी एवरेज और निफ्टी स्मॉल कैप, और उधर ये 45% अकेला दे गया, कब, सितंबर 2020 वाले क्वार्टर में, ठीक है। उसके बाद ये पीछे रहा अगले क्वार्टर में और इसने खराब परफॉर्म किया अपने बेंचमार्क से भी और कैटेगरी एवरेज से भी, और फिर मार्च 2021 में वापस ऊपर। जून की अगर मैं बात करूं तो फिर वापस ऊपर, और यहां पे ऊपर फिर से वही डबल वाला परफॉर्मेंस, ठीक है। तो ये जो डबल वाले परफॉर्मेंस है ना, इनको हमें एक बार अलग से भी मार्क कर लेना चाहिए। वैसे तो मैं ऊपर जून 2020 वाले को भी करना चाहिए, लेकिन चलो नहीं कर रहे। यहां पे रफली डबल है, कंप्लीटली डबल नहीं है, रफली डबल बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो अब उसके बाद सितंबर की अगर बात करें तो बहुत क्लोज आके ये पीछे रह गया, लेकिन फिर भी मैं इसको रेड करूंगा, लेकिन बहुत क्लोज आके। तो जहां पे पीछे रहा वहां रहा 2-3% पीछे, तो जीतने का मार्जिन तो बहुत ज्यादा बड़ा और हारने का मार्जिन बहुत छोटा, इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। फिर यहां पे भी यही हुआ कि इसने खराब परफॉर्म किया तो 2-2% ये तब भी पीछे रहा। मार्च में बात करें तो मार्च में सबसे कम गिरा, मार्केट ने नेगेटिव रिटर्न दिए थे मार्च 2022 वाला जो क्वार्टर था, और वहाँ पे भी जीत का परसेंटेज 3% था अपनी। दो कोई भी आप इसकी हार देख लो, ये यहाँ हारा, ठीक है, यहाँ पे फिर भी हम कह सकते हैं रफली 3-4% से ये हारा, लेकिन पिछले दो इन क्वार्टर में अगर मैं बात करूं, और हाँ मुझे पता है आप हारा जीता वर्ड्स सुन के थोड़ा सा हो रहे होंगे कि यार आपको इजी समझ आ जाए, इसलिए मैं इन वर्ड्स का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी ये पीछे रहा या इसने परफॉर्म नहीं किया, इस तरह के वर्ड्स भी सुनने हैं तो वो भी बोलने में क्या ही जा रहा है यार, ठीक है। तो इस चीज़ को समझो। अब यहाँ पे अगर हम जून की बात करें तो जून में इसने मिक्स परफॉर्मेंस दिया, क्योंकि ये एक से तो मतलब, यानी कि अगर हम बात करें अपनी कैटेगरी एवरेज से तो बेकार परफॉर्म किया, लेकिन अपने बेंचमार्क से इसने अच्छा परफॉर्म किया, ठीक है। तो इसके लिए अलग कलर यूज़ कर लेते हैं, येलो कलर यूज़ कर लेते हैं। और वैसे इसने ये चीज़ ऊपर भी करी थी सितंबर वाले में, तो मैं सितंबर वाले को भी अगर एक बार के लिए येलो कर दूं तो अब हमें पता लग जाएगा। सितंबर लास्ट दो क्वार्टर चेक करें तो सितंबर में भी ये आगे रहा, तो दिसंबर में यहाँ पे इसने 3 गुना परफॉर्मेंस दिया, और इसी तरह से इसने सितंबर में भी परफॉर्मेंस दिया। तो इतने गजब के परफॉर्मेंस रहे इसके। और जहाँ पे मैंने बोला कि जहाँ पे ये जीता, अब इसको मैं थोड़ा सा छोटा करके देखूँ तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे इस सर्कल में, और रेड कलर कहाँ दिख रहा है और येलो कलर कहाँ दिख रहा है, आपको साफ दिख रहा है, ठीक है। तो ये है इसका गजब का परफॉर्मेंस,
ठीक है, होपफुली आपको सब समझ आ गया होगा, और अभी तो और भी बाकी हैं चीज़ें, तो अब देखेंगे कि किस तरह से ये हमेशा ऊपर रहा है, इनका पोर्टफोलियो कैसा है और पोर्टफोलियो में लास्ट मंथ में क्या चेंजेस हुए हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको अभी तक तो कंपेयर करता आया किससे, कैटेगरी एवरेज या निफ्टी स्मॉल कैप इसके बेंचमार्क से, लेकिन अगर मैं टॉप के फंड से कंपेयर करूं तो किस किस से ये पीछे रहा है। यहाँ पे निपोन से ये पीछे रहा है, निपोन सबसे बढ़िया रहा है 3 months में, सेम गोज फॉर द 6 months, और 1 year में बहुत हल्का सा पीछे है, बहुत ज़्यादा हल्का सा, लेकिन 3 years में आगे है और 5 years में आगे है। तो निपोन भी पिछले 1 साल से अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन आप पीछे रहने का देख सकते हो डिफरेंस कितना है। इतना डिफरेंस तो हम कभी भी नहीं पकड़ पाएंगे कि निपोन इससे अच्छा हो गया या निपोन से अच्छा हो गया। तो मैंने पहले भी बोला था इस वीडियो में भी, काफ़ी वीडियोज़ में, कि स्मॉल कैप कैटेगरी में आपको 2-3 म्यूचुअल फंड ऐसे मिल सकते हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म हमेशा करते रहते हैं। बाकी आप देखोगे तो ये शॉर्ट टर्म में भी पीछे और लॉन्ग टर्म में भी पीछे, और सेम गोज फॉर द एक्सिस स्मॉल कैप, लेकिन एक्सिस स्मॉल कैप 5 years कैटेगरी में काफ़ी आगे है। ठीक है, 3 years में भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस है, और उसकी एक अलग कहानी है, वो अलग से अच्छा परफॉर्म करता है। और SBI स्मॉल कैप भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है जब बीच बीच में उसका टाइम आता है। तो ये टॉप के म्यूचुअल फंड है, इन कंपैरिजन के बदले ना हम कोई भी एक फंड नहीं चूज़ कर सकते, हमें डिटेल में देखना होता है, जैसे अभी तक हम क्वांट को देखते आए हैं या और देखना पड़ेगा। तो ये तो बस एक रफ कंपैरिजन होता है कि ये टॉप के परफॉर्मर से कैसा कंपैरिजन, मतलब कैसा परफॉर्म कर रहा है। स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ज़्यादा हाई है, जिस वजह से हम डरते हैं, और मैंने आपको पहले भी अभी ये डर वाली बात बताई थी कि जिनको नॉलेज नहीं होती वो बहुत आराम से आपको क्वांट या फिर कि कोई भी स्मॉल कैप आपको रिकमेंड कर देंगे। एक तो स्मॉल कैप कैटेगरी इतनी खतरनाक है, ऊपर से क्वांट की स्ट्रैटेजी, तो इन दोनों का जब मिलन होता है ना तो बहुत डेंजरस चीज़ बनती है, और स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ज़्यादा 24 का। ठीक है, लेकिन एक चीज़ जो मुझे अच्छी लगती है निपोन के फंड्स में, कई बार ऐसा होता है, कुछ फंड्स में ऐसा होता है कि ये बीटा 1 से ऊपर पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ पे ना स्मॉल कैप में इनका पहुंचा, ना ही क्वांट स्मॉल कैप का पहुंचा, जो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है। और अल्फा तो सबको ही अच्छा लगता है, इतना तगड़ा अल्फा क्रिएट कर रखा है, तो वो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, उसके बाद अगर हम डिटेल में जाएं, वही हमें एक चीज़ जो थोड़ा सा नेगेटिव देखने को मिलती है कि फाइनेंशियल सेक्टर का एक्सपोजर हमें लार्ज कैप में भी मिल रहा है, मिड कैप में मिल रहा है, तो यहाँ स्मॉल कैप में भी मिल गया। ठीक है, तो ये एक्सपोजर हमें थोड़ा सा ज़्यादा मिल रहा है, और लार्ज कैप कंपनियां देखो, रिलायंस इंडस्ट्री, HDFC, ITC, तो ये बड़ी बड़ी कंपनियां ही इसमें टॉप की होल्डिंग हैं। तो लार्ज कैप में कितना पैसा डालते हैं वो देख लेते हैं, बाकी सारा का सारा पैसा जाता है इक्विटी में, सिर्फ एक मात्र एक्सिस ऐसा है जो डेट का सहारा लेता है थोड़ा सा, जिस वजह से वो सेफेस्ट स्मॉल कैप फंड बोल सकते हैं आप उसे। ठीक है, एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.62 है, कोई ज़्यादा नहीं है, सिर्फ एक्सिस से हल्का सा 0.09 ज़्यादा है, बाकी इन दोनों से बढ़िया है। ठीक है, और अगर हम बात करें वही नॉर्मल SIP अमाउंट, इससे इसको डील ब्रेकिंग नहीं कह सकते। हाँ, जिन्होंने 100 रुपये डालने हैं वो एक्सिस में डाल सकते हैं, जिन्होंने 100 रुपये की SIP करनी है, जिन स्टूडेंट्स ने, तो स्टूडेंट्स के लिए एक्सिस अच्छा हो सकता है या निपोन अच्छा हो सकता है, क्योंकि उसमें SIP कम है। बाकी अगर आप 1000 रुपीज़ की SIP कर सकते हैं तो क्वांट आपके लिए सबसे बेटर है। ठीक है, यहाँ पे कैटेगरी एवरेज हम पहले ही ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, तो इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। नीचे चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे लार्ज कैप में, जो हम बता रहे थे कि 22% पैसा डाल रखा है। ठीक है, बाकी सारा स्मॉल कैप में है, और मिड कैप में नाम का एक्सपोजर है जो रफली 5% से भी कम है। ठीक है, टोटल 71 स्टॉक्स हैं, ये भी एक अच्छी बात है, 250 में से 71 ही ले रखे हैं, 71 ही ले रखे हैं, और टॉप 10 में रफली 46% का एक्सपोजर है, जो कि अपने आप में बहुत अच्छी बात है। अब ये 46% का एक्सपोजर टॉप 10 में अच्छा क्यों है, देखो पता क्या है, आपका जो 50% रिटर्न है वो कौन देगा, फिर आपको टॉप 10 स्टॉक्स दे देंगे, और जो इन टॉप 10 स्टॉक्स ले रखे हैं उसमें से मोस्टली, तो मतलब मोस्टली नहीं कहूँगा, 4 लगा लो या 5 लगा लो लार्ज कैप होंगे, तो वो आपका लार्ज कैप और स्मॉल कैप मिलकर रिटर्न अच्छा खासा जनरेट कर देंगे। बाकी जो छोटे छोटे स्मॉल कैप है जिनमें बाकी 50% एक्सपोजर है, वो एक नॉर्मल सा भी रिटर्न क्रिएट करेंगे तो आपके पास अच्छे रिटर्न्स आ जाएंगे। और थोड़ा सा जब फंड फोकस्ड रहता है ना कि टॉप 10 में मेरा 50% एक्सपोजर है, तो वो टॉप 10 को लेकर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस रहता है, तो अपनी स्ट्रेटजी पे भरोसा रखता है और तरीके से चल रहा है। निपोन में मुझे एक कमी ये लगती है कि 150 से भी ज़्यादा उसमें स्टॉक्स आ जाते हैं, और टॉप 10 में भी एक्सपोजर कम है, उसकी बात कभी और करेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो पहली बार ऐसा हुआ है कि इन्होंने एक्सपोजर 20% से भी ज़्यादा बढ़ा दिया, फाइनेंशियल में 21% पहुँच गया। ठीक है, और जो सेक्टर हेल्थ केयर और केमिकल की हम हमेशा बात करते रहते हैं, केमिकल में तो कुछ ज़्यादा बड़े चेंजेस नहीं आए हैं, लेकिन बहुत टाइम के बाद ऐसा हुआ है कि इसका एक्सपोजर 6% से भी नीचे गिर गया है, पिछले 7-8 महीनों में हमेशा 6 से 8 के बीच रहा है।
ठीक है। हेल्थ केयर की बात करें तो हेल्थ केयर में तो हमेशा मतलब पिछले 4-5 महीने 6 महीने से रफली यही चल रहा है, तो कोई ज़्यादा बड़े चेंजेस नहीं हैं। तो इन्होंने ये थोड़े बहुत चेंजेस किए हैं, बाकी और भी ज़्यादा आप चीज़ें जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।